हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय और 78वां श्लोक। यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विज्ञो बुतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। तो मैं इन दिनों शब्द ध्रुव पे बोल रहा हूं, मतलब कन्फर्म, निश्चित रूप से, निश्चित कन्फर्म। क्या कन्फर्म, क्या कन्फर्म? श्री विजय, अलौकिक शक्ति, नीति, ये निश्चित रूप से है। कहाँ है? जहां कृष्ण। अब यहां दो चीजें बहुत समझने की है कि कृष्ण गोविंद भी है, कृष्ण गोपाल भी है, कृष्ण माधव भी है, कृष्ण विश्वंभर भी है, कृष्ण जगन जनार्दन भी है। लेकिन यहां स्पेसिफिकेशन करके संजय ने कहा यत्रो योगेश्वर कृष्ण। क्योंकि यहां संजय ने जो कृष्ण को योगेश्वर कह के संबोधन किया, इसके पीछे एक कारण है, और वो कारण है कौरवों की सेना। तो हम देखते हैं कि कौरवों के जो उस समय जो पूरी सेना का वो रचना की, वो किसने की? पितामह भीष्म ने। अब आज हम कुछ भगवद गीता को गुरु कृपा से अलग से लेके जा रहे हैं। पितामह भीष्म जो पांचों पांडवों के लिए बिल्कुल बराबर है, भारी है, पांचों पांडवों पे भारी है। तो पांचों पांडव मिलकर भी यदि पितामह भीष्म से लड़े तो पांचों की पराजय निश्चित है, ये तो हो गया। अगर 1-to-1 की बात आती है तो अकेला करण अर्जुन के बराबर है, वहां पर भी पराजय है। फिर यदि देखा जाए तो उस्ताद उस्ताद होता और शागिर्द, मैं यहां शब्द गुरु नहीं लाऊंगा, उस्ताद उस्ताद होता है, शागिर्द शागिर्द है, तो वहां द्रोणाचार्य है। जिन्होंने पांचों पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी, तो यहां भी कोई तालमेल नहीं है। यह यदि प्लानिंग की बात करें तो यहां की प्लानिंग भीम ने की, जो अभी बिल्कुल इस मामले में अनाड़ी है। वहां पितामह भीष्म ने की, जिनसे एक्सपर्ट कोई है ही नहीं।
तो फिर तो भाई हम ऐसे कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना, जब कोई टीम बिल्कुल हारने वाली होती है तो कमेंटेटर क्या कहता है, अब तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है, ऐसे बोलते हैं ना कि अब तो इनको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब संजय ने कहा कि हाँ राजन, चमत्कार तो होने वाला है, क्योंकि कृष्ण अब माधव, विश्वभार, गोविंद, गोपाल, केशव, जनार्दन का रूप धारण नहीं करने वाला है। यहां अब सुनो राजन, अब कृष्ण योगेश्वर बन के आए, और मैं समझता हूं कि हम सब यदि संसार देखे तो कहीं ना कहीं या तो कोई हमारी टक्कर का है, या तो फिर कोई हमसे सुपीरियर है। क्योंकि याद रखना, अगर कोई हमसे कमजोर है तो फिर उससे तो कोई मुकाबला है ही नहीं। मुकाबला या तो बराबर या तो फिर ऊपर। और आज जो हमारे बच्चे हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, उनकी हर फील्ड में एक कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन है, चाहे कॉरपोरेट में चले जाओ, चाहे एजुकेशन में चले जाओ, कहीं ना कहीं कंपटीशन है। और उस कंपटीशन में हमारे सामने एक से एक योद्धा खड़े हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आज के युग में कृष्ण हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है योगेश्वर के रूप में, ज्यादा सूटेबल है योगेश्वर के रूप। क्यों? कि वो गोविंद बनके हमारी इंद्रियों को तो आनंद दे रहा। गोविंद, गो मतलब गोविंद, गो मतलब इंद्रियां, विंद मतलब उसको आनंद देना, तो गोविंद हमें आनंद तो दे ही रहा है। गो पाल, इसका एक मतलब है इंद्रियों को पालने वाला, और उसने पाला पाला हमारी इंद्रियां। कान इतने छोटे होते इतने बड़े हो जाते, आंखें इतनी छोटी होती इतनी बड़ी हो जाती, हाथ इतने, ये कौन कर रहा? ये गोपाल इंद्रियों को वो पाल रहा। अब जो हमें गोविंद आनंद दे रहा है और जनार्दन बनकर हमें धन धन दे रहा है, विश्वम भार बनकर हमारा भार उठा रहा है, समझना। ठीक है, माधव बनकर हमें लक्ष्मी दे रहा है, क्योंकि माधव मतलब लक्ष्मीपति। तो अब सुनो, गोविंद बन के हमें हमारी इंद्रियों को आनंद दे रहा है, कान को आनंद, आंख को आनंद, नाक को आनंद, जबान को आनंद, हाथ को आनंद, पैर को आनंद। ये कौन दे रहा है? गोविंद। फिर गोपाल, जिसने हमारे छोटे छोटे हाथ को बड़ा किया,
छोटे छोटे कान को बड़ा किया, छोटे छोटे नाक को, ये कौन है? गोपाल जो हमारी इंद्रियों को पाल रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, फिर माधव जिसने हमें खाने पीने के लिए धन दौलत पैसा जो भी था वो दिया, फिर जनार्दन जो हमें पाल रहा है, विश्वम भार जो हमारा भार उठा रहा है। तो याद रखना, अब ये सब तो हो गया, क्या क्या हुआ बताओ? सब तो हो गया, आप बड़े भी हो गए, आपको आनंद भी आ रहा है, आपके जीवन में सुख सुविधा भी है, आपके जीवन में संपत्ति भी आई, माधव बनकर आपको मालामाल भी किया, ठीक है, विश्वम्भार बन के आपका भार भी उठाया, सब हो गया, शुभ हो गया, हो तो गया, लेकिन अब इसको मेंटेन कैसे करें? क्यों कि अगर गोविंद ने आपको आनंद दिया है तो सामने कोई ना कोई ऐसा है जो आपके आनंद में विक्षेप डालना चाहता है। अगर जनार्दन ने आपको धन दिया है तो कोई ना कोई है जिसको धन खटक रहा है। अगर विश्वम्भार बनकर आपको वो भार उठा रहा है तो कोई ना कोई है जिसे ये बात भा नहीं रही है कि आप इतने सुखी क्यों हो, आपके पास इतनी गाड़ियां क्यों है, इतनी मोटरें क्यों है, इतना ये क्यों है, उतना ये क्यों है। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण, कृष्ण तो कृष्ण। अब मुझे ऐसे लगता है कि गोविंद आपने सब रूप लेकर सब कुछ किया, लेकिन अब इसे मेंटेन करना है तो आपको फिर हमारे लिए योगेश्वर बनना पड़ेगा, नहीं तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। याद रखना, मैं आप सबों से कहता हूं कि जब आपके जीवन में कोई ऐसी अनहोनी हो जो मिरेकल हो, समझ लेना योगेश्वर आ चुका है। जब आप पेपर देने जाओ और आपको ऐसे लगे कि इतना मुश्किल पेपर मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगी या सॉल्व कर पाऊंगा, और इस सोच के साथ आप पेपर को लिखने बैठ जाओ और जब रिजल्ट आए तो पता पड़े आप पास नहीं है बल्कि वो कौन सा डिस्टिंक्शन में आ गए, समझ लेना योगेश्वर था। याद रखना, अर्जुन को कृष्ण तो दिखा, कृष्ण दिखा बोलो नहीं दिखा, लेकिन उसका योगेश्वर रूप नहीं दिखा। कहां दिखा बोलो? बल्कि योगेश्वर एक ऐसा कृष्ण का रूप है जो अदृश्य रहता है, और कृष्ण का वो जो योगेश्वर अदृश्य रूप है वो अदृश्य होकर आपके लिए वो कुछ कर जाता है। जब आता है रिजल्ट, है ऐसे, अरे ये कौन था? योगेश्वर था। दिस इज योगेश्वर। मैं समझता हूं कि यदि आप मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र से जुड़े रहे, उसके नाम से जुड़े रहे, उसकी हरि कथा से जुड़े रहे,
आप खुद ब खुद देखते जाओगे कि कृष्ण आपके जीवन में किस तरह से योगेश्वर बन के आता है। वो भजन है ना, तुम कृष्ण नहीं मैं ये शब्द में डाइजेस्ट नहीं होता। कृष्ण बन के आए कौन? कृष्ण बन के आए भाई, कृष्ण बन के आए कौन? कृष्ण बन के आए वो तो है ही कृष्ण। मतलब कृष्ण बन के आए मतलब कोई और है जो कृष्ण बन के आए? ना ना, ये लिखने वाले ने यहां थोड़ी मिस्टेक कर दी है। तुम कृष्ण आए ऐसे बोलो, तुम जब मैं बना सुदामा। आपके जीवन में ये लिख डालो आज कि यदि आप मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र के 1% में नहीं, कह रहा हूं जा कितना, 1% भी शरणागति हो गई आपकी, आप देखोगे आपकी जिंदगी में चमत्कार होते रहते हैं। और एक बात बताऊं, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बताऊं, बोलो बताऊं, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि आप अभी तक टिके हुए हो। इससे बड़ा चमत्कार कुछ हो नहीं सकता। आप अभी तक टिके हुए हैं, नहीं ने माया ने आपको कभी का उड़ा दिया होता। आंधी जैसे तिनको को उड़ा जाती है, ऐसी माया आप लोग को उड़ा के फेंक दिया होता ठाकुर से कोसों दूर। लेकिन आज भी यदि आप डटे हुए हो, डटे हुए हैं छटे हुए के सामने, अरे समझो, डटे हुए हैं छटे हुए के सामने, जो हमारे सामने है ना, हम पे क्रिटिसाइज करते हैं, हमें नीचे गिराने की कोशिश करते, हमें पीछे धकेलने की कोशिश करते, हमसे हमारा नाम छुड़वाने की कोशिश करते, उनके सामने हम डटे हुए हैं जो छटे हुए हैं। और जब कृष्ण योगेश्वर है, और मैं ये समझता हूं कि यदि आप परंतप्त हो किसी काम के नहीं, महाबाहु हो किसी काम के नहीं, जनार्दन हो किसी काम के नहीं हो, क्योंकि कृष्ण अर्जुन को जनार्दन देखना नहीं चाहता था। कृष्ण अर्जुन को महाबाहु भी देखना नहीं चाहता था। कृष्ण अर्जुन को परंतप भी देखना नहीं चाहता था। कृष्ण अर्जुन को सव्यसाची, कुरुक्षेत्र, कुरुनंदन नहीं देखना चाहता था। कृष्ण अर्जुन को धनुर्धर देखना चाहता। एक बात याद रखो, आप राइटर हो क्या बोलो, लेकिन हाथ में कलम नहीं है किस काम? आप पेंटर हो लेकिन हाथ में ब्रश नहीं है किस काम? आप क्रिकेटर हो लेकिन हाथ में बैट या बॉल नहीं है किस काम? आप सैनिक हो लेकिन हाथ में बंदूक नहीं है किस काम? आप स्टूडेंट हो लेकिन हाथ में किताबें नहीं है किस काम का? आप पेशेंट हो, लो एक और बात जोड़ देता हूं, आप पेशेंट हो लेकिन हाथ में दवाइयां नहीं है किस काम की? और दो चार आप बोलो, आप डॉक्टर हो लेकिन हाथ में शफा नहीं है किस काम की? आप इंजीनियर हो लेकिन हाथ में माउस नहीं है किस काम के?
आप परचारिक हो, आप प्रचारिक हो, लेकिन मुंह में शब्द नहीं है इस काम के। किस काम के? किस काम के? आप म्यूजिशियन हो लेकिन हाथ में आपके इंस्ट्रूमेंट नहीं है, किस काम के? और जिस दिन आप स्टूडेंट हो तो किताबें उठाई, चमत्कार स्टार्ट। आप पेशेंट हो हाथ में दवाई उठाई, चमत्कार स्टार्ट। आप इंजीनियर हो हाथ में माउस उठाया, चमत्कार स्टार्ट। आप प्रचारिक हो शास्त्र उठा के मुंह से बोलना स्टार्ट किया, चमत्कार स्टार्ट। ये जो भी है ने आपका धनुर है, अर्थात आपका हथियार है, आपका हथियार है। और कृष्ण आपको यही देखना चाहते। पूरी गीता का सार क्या है? उत्तिष्ठ परंतप। जो निराश लोग हैं, जिन्होंने जिंदगी में गिव अप कर दिया है, ये गीता उनके लिए है, उनके लिए भी है जो हीरो बन चुके हैं, उनके लिए भी है। और मुझे ऐसे लगता है, एक बात बताओ, जब कुछ हमसे होता नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? ये मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दिया। एक बात याद रखो, सेम अर्जुन ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, और क्या छोड़ दिया? धनुष छोड़ दिया। एक बात याद रखो, आप सबों से कहता हूं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो कि ना मेरे बस की बात है, ना ही आपके बस की बात है, ना ही उस समय अर्जुन के बस की बात थी। यह सही है, अर्जुन ने जो सोचा वो सही था, क्योंकि पितामह भीष्म से लड़ना बस की बात, करण से लड़ना बस की बात, सात अक्षमणी और सातवें 11 अक्षमणी बस की बात। तो अर्जुन ने तो सही कहा कि मेरे बस की बात नहीं है। तब कृष्ण ने कहा, देख अर्जुन, सुन भाई, ये दोनों की वो बात है जो आप गीता मैंने लिखी, मैंने सुनी। कृष्ण ने कहा, सुन, ये जो तू कह रहा है ना मेरे बस की बात नहीं है, हाँ तेरे बस की बात, लेकिन मेरे बस की बात तो है। और क्यों 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 मेरे बस की बात है कि देख भाई, अब मैं तेरी टीम में खेल रहा हूं। अर्जुन, कृष्ण किसकी टीम में? अर्जुन की टीम में है ना। तो भाई अब देख, मैं तेरी टीम में हूं, तो अब तेरी टीम में हूं, तो तूने तो कहा मुझे तो खेलना, लेकिन मुझे तो खेलना है, तो बोला अब मैं तेरी तरफ से खेलूंगा। कैसे तेरी तरफ से खेलूंगा? कि सुन अर्जुन, इन सबों को मैं उड़ा देता हूं, तो चला गया। मैं विश्वास से कहता हूं कि जिस दिन आपने श्री कृष्ण को साथ लेकर अपना जो भी कार्य है करना चाहा, और उस कार्य में पागलपन आ गया, रिजल्ट वही आएगा जो कृष्ण ने चाहा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि वहां कृष्ण सोचेगा ये नहीं खेला, लेकिन मैं तो इसकी टीम में हूं ना, तो अभी इसकी टीम में हूं तो मुझे तो खेलना ही है। और याद रखना, कृष्ण ने कभी हारना नहीं सका। हारा है तो अपने भक्तों के आगे हारा है, वो भी क्या करने, अपने भक्तों को आनंद देने। एक बात, एक दिन की बात है, वृंदावन में, श्री वृंदावन,
वृंदावन में राधा रानी, देखो युद्ध में भी आनंद है यदि कृष्ण है, युद्ध में भी आनंद है, युद्ध में भी आनंद है। मैं आप लोगों से सबसे कहता हूं कि यदि आप भजन करते हो, क्या करते हो, आप विश्वास करो कृष्ण आपकी तरफ है, आप विश्वास करो, चूंकि कृष्ण यदि आपकी तरफ ना होता, अच्छा हमको क्या पता कृष्ण हमारी तरफ है, हमें कैसे पता भाई, हमें कैसे पता, हम ना कृष्ण को देख पा रहे ना कृष्ण हमसे बातें कर रहा है, तो फिर हमें कैसे पता पड़ा कि कृष्ण हमारे साथ है। देखो एक बात बताओ, ये अरस परस कृष्ण आपके साथ है, कृष्ण आपके, क्यों आप कृष्ण के साथ, देखो यहां हम सब आते हैं किसके लिए आते हैं, कृष्ण के लिए आते हैं यहां, और कोई हमारे आने का हेतु नहीं, हमारे गुरुदेव ने हमें इस तरह से प्रशिक्षण दिया है कि यहां आने का हमारा कोई हेतु नहीं है, ना ही कोई संसारिक इच्छा है, ना ही कोई संसारिक कामना है, ना ही हम ठाकुर से कुछ चाहते हैं, ना ही मांगते हैं, कुछ नहीं चाहते, बस सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, जो हमसे सेवा होती है करते हैं। मैं मल्लिकार्जुन में था, मल्लिकार्जुन भोले बाबा के पास, मल्लिकार्जुन गया भोले बाबा के दर्शन करने, मेरे साथ नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति योग महाराज, हम दोनों एक जगह बैठे थे, तो एक लंबे चौड़े महात्मा आए, लंबे चौड़े महात्मा, और वो खुद ही हमसे बातें करने लगी, कहां से आए हो, कैसे हो, और हमारे बराबर में बैठ गए, बातें करते 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 संत तो हरी कथा ही करे, हमें कहने लगे कि एक बात सुनो, ये जो भगवान है ना बहुत बड़ा दिल है, भगवान का बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा दिल है, जो उनसे मांगो वो देता है, और डबल डबल देता है, कितना देता है, डबल ट्रिपल, जितना जो मांग लो दे देता है। तो बोला अपना नाम देने में बहुत कंजूस है, अपना नाम उसी को देता है जिसको वो अपनाता है, और सच्ची बात है, जैसे एक पुरुष किसी को स्त्री को अपनाएगा तो अपना नाम देगा, अपना नाम देगा, तो ठाकुर ने हम सबों को अपना लिया है तभी तो अपना नाम दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम जय राम, आप सबों को अपनाया है, आप किस कास्ट से संबंध है, किस कम्युनिटी से संबंध है, कौन सी भाषा बोलते हो, किस तरह के कुल में पैदा हुए, मेरे ठाकुर को कुछ लेना देना नहीं, बस उसने हमें अपना लिया, अपना लिया, अपना लिया है, और अपना लेने का संकेत उसने हमें अपना नाम दिया, मैं एक संसारिक उदाहरण दूं आपको, मैं वैसे ऐसा मान्यता नहीं है मेरी, लेकिन एक संसारिक उदाहरण दे, मैं इस सोच में नहीं रखता हूं ना मेरी, लेकिन एक आप लोगों को समझाने के लिए,
बाबा से मेरा एक रिलेशन है, ठीक है। जब भी बाबा अपना पूरा नाम लिखेंगे तो क्या होगा? मेरा नाम आएगा। मेरा नाम आने का मतलब ही है कि उनका मुझसे संबंध है, मानते हो? वैसे तो मेरा नाम आप सबों के साथ भी है, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी महाराज का मैंने पासपोर्ट देखा, उनके पासपोर्ट में उनके संसारिक पिता के बजाय उनके पासपोर्ट में उनके पिता के नाम की जगह उनके गुरु महाराज का नाम लिखा तो है। आप सबों के साथ भी मेरा नाम तो है और वो छूटेगा भी नहीं। आप सबों को कहते कहाँ जाते हो? मधुसूदन सत्संग में जाते हो, तो वो नाम तो जुड़ गया, निश्चिंते हैं। तो अब बाबा के साथ अगर ये पूरा नाम लिखेंगे तो मेरा नाम आएगा ना। ऐसे आज आपको लोग देखते हैं ना तो दूर से कहते राधे राधे, आप बोलो ना बोलो, हरे कृष्णा, हरि बोल। मैं परसों अपना वो 2D को करवाने गया डॉक्टर के पास, बाबा साथ थे मेरे। वो जैसे ही बाहर निकला मुझे देखते बोलते हरि बोल। फर्स्ट टाइम उस डॉक्टर को देखा था, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था, हरि बोल। तो इसका मतलब यह है कि उसने यदि हमें अपना नाम दिया है, मतलब अपना लिया। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जिंदगी में सामने कितना भी कठिन लगे लेकिन गिव अप मत करना, क्योंकि योगेश्वर आपके साथ खड़ा है, ये विश्वास कर लो। मैं जब उल्लासनगर आया, ना आगे कोई ना पीछे कोई, आप में से मुझे कोई नहीं जानता था, खैर जानता अभी भी नहीं है, आप में से मुझे कोई नहीं जानता था। ये इनके यहां वासवानी के नीचे से चला जाता था, इनको पता भी नहीं होता था, हो सकता कई बार देखा भी हो, कोई नहीं जानता था। लेकिन मेरे साथ योगेश्वर था। आज मैं अपने ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र को ऐसे सजते जजते देखता हूं ना, देखो देखो सामने देखो, मैं कहता हूँ वाह योगेश्वर, आपने क्या, अपनी योग शक्ति से क्या कर दिया। और ये योग शक्ति फैल रही है जहां जहां देखो, चाहे नागपुर हो, जयपुर हो, भावनगर हो, अहमदाबाद हो, सूरत, नवसारी, इवन पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहां कहां, स्पेन, कहां कहां। बस आप है ना उसके सहारे पे जीना, लेकिन सहारे पे जीने के लिए आपको हथियार तो उठाना पड़ेगा, और वो सबसे बड़ा हथियार जो मैंने कहा, हिम्मत का। हिम्मत है तो सब उठाओगे, हिम्मत है तो कलम उठाओगे, हिम्मत है तो गीता उठाओगे, हिम्मत है तो माउस उठाओगे, हिम्मत है तो सब कुछ उठा लोगे, ये हिम्मत है। और एक वक्त अर्जुन में हिम्मत आई, एक बात रखो, वो अर्जुन जो महाभारत का हीरो था, सबको उड़ाया, सबको उड़ाया। कैसे उड़ाया अब समझो, 2-3 उदाहरण देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं है। अर्जुन फंसा कहां? पितामह भीष्म में फंसा। कैसे फंसा? प्रतिज्ञा ले ली, अर्जुन फंसा, बोला अब मरे, अब मरे, ये अपने बस की बात नहीं। अर्जुन फंसा, निकाला किसने? कृष्ण, ठीक है। करण के बारे में फंसा, क्या हुआ बताओ तो उसे,
हाँ बोलो तो सही, हमो फंसा किरण के, करण के बारे में अर्जुन क्या हुआ, निकाला किसने, जयदर्थ के बारे में निकाला किसने, अर्जुन बस की बात थी, क्योंकि जयदर्थ उस समय पीछे छुपा दिया, वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम तो हो ही नहीं थी, जानी थी, जैसे अभी यहां से आपको मुंबई जाना है तो 2-4 घंटे तो लग ही जाएंगे, सबको पता था जयदर्थ को सेना के पीछे कहीं छुपा दो, आते आते शाम होगी और बस की बात, निकाला किसने, लक्ष्यगृह में फंसे, निकाला किसने, ये जो हमारे नाटक सारे चलते हैं ना जिंदगी के, उसमें हमारे तो काम ऐसे कि हम फंसते हैं। उस समय निकालता कृष्ण है, ये मेरी जिंदगी का अनुभव बताओ, क्योंकि वो योगेश्वर बन जाता है, फंसते हम मेरा ठाकुर निकाल देता है, लेकिन शर्त है उससे जुड़े रहना। जैसे एक बच्चा अपने पिता का हाथ चलते चलते लड़खड़ा गया, पिता ही तो थामता है, बस ये है मेरे कृष्ण का हाथ, ये माला मेरे कृष्ण का हाथ है, इसे पकड़े रखना, अगर ठोकर खा के गिरे भी तो संभालने वाला गोविंद है, मानते हो। जहां जहां अर्जुन फंसा कृष्ण ने, अब क्या हुआ, 2 मिनट लूं, अब क्या हुआ, एक समाचार मिले, राजा युधिष्ठिर ने एक समाचार दिए, मां हम मर गए, हम मर गए, मां मर गए, क्या हुआ बेटा, बोला हमारा द्वारकाधीश गोलोक चला गया, हम मर गए, हम मर गए, मर गए, हम अनाथ हो गए, चला गया वो, कौन जो कदम कदम पे हमें ढाल की तरह हमारे सामने खड़ा था, चला गया, मर गए, बर्बाद हो गए। द्वारकाधीश चला गया, हम अकेले रह गए, जिसके दम पर हम जिंदगी का हर युद्ध लड़े और जीते, लड़े हम, जिताया उसने, चला गया। और अब मां वो आने वाला नहीं है, अपनी लीला को अब व्यक्त कर दिया, रह गए हम अकेले, तुम न जाने किस जहां में हम भरी दुनिया में तना रह गए। एक बात याद रखना, कुछ लोग हमारी जिंदगी में इस तरह से होते हैं कि फिर कोई ना भी हो तो किसी की जरूरत महसूस नहीं होती है, और यदि वो चला जाए तो हजारों में भी हम अकेले हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं। तब कुंती धाड़े मार मार के रोने, और जब कुंती धाड़े मार मार के रोने लग गई तब युधिष्ठिर ने कहा, मां क्या हुआ। तब कुंती ने कहा कि बेटा, इसीलिए मैं प्रार्थना करती थी कि कृष्ण हमें सुख मत देना, है ना प्रार्थना, कि मेरे पग पग पर दुख तकलीफ कष्ट देना गोविंद। तब तुम ही ने कहा था युधिष्ठिर
कि माँ ये कृष्ण से क्या मांग रही हूं, हम तो पहले ही दुखी हैं, वनवास में है, अज्ञातवास में, और कृष्ण से कह रही कि पग पग पे हमें दुख देना। तब ये बात पुत्र तुम्हें समझ में नहीं आई, आज समझा रही हूं। जब जब हम दुखी थे, जब जब हम तकलीफ में थे, वो द्वारकाधीश योगेश पर बन के दौड़ा आया, लेकिन बेटा आज हम सुखी हैं, आज हम राज के सिंहासन पे हैं, हस्तनापुर का सिंहासन का ताज पुत्र तुम्हारे सर पे है। और जैसे ही उसने देखा कि हम सुखी है, समर्थ है, वो चला गया, छोड़ के हमेशा के लिए। और अब कभी लौट के नहीं आएगा पुत्र, हम अकेले हो गए। अर्जुन, तूने जो महाभारत का युद्ध जीता ना बेटा, आज तू हार गया। क्यों? तेरा पार्था सारथी चला गया, तेरा पार्था सारथी चला गया, जिसके दम पर तू युद्ध लड़ता था, जो तुझे प्रेरणा देता था युद्ध की, तुझे मोटिवेट करता था। आज के समाज में बेटा वो तुझे प्रेरणा देने वाला चला गया। अब हम लुट गए, अर्जुन लुट गए। याद रखना, मैं आप सबों से कहता हूं, जिस दिन आपका हरि कथा कीर्तन भजन छूट गया, आपके जीवन से द्वारकाधीश चला गया। आज ये जब होता है ना मेरे हाथ में, तो मुझे पता है संभाल लेगा। आज जब व्यास आसन पे बैठता हूं, मेरी छाती चौड़ी हो जाती है कि वो संभाल लेगा। जब मैं उसके लिए सोचता हूं, मुझे उत्साह मिलता है, अकेला कहां हूं। जिस दिन हरि कथा कीर्तन भजन भक्ति छूट गई, हमारा द्वारकाधीश चला गया, सोचना हम लुट गए। क्या नहीं था उस समय पांडवों के पास? राज था, तख्त ताज हस्तनापुर का धन धान्य से भरपूर, लेकिन फिर भी कुंती कहती हम लुट गए, क्योंकि चला गया। यदि आपके पास पैसा है, डिग्री है, एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन आपके जीवन में कृष्ण नहीं है, आप लुट गए। माया ने आपको लुट लिया। जिस दिन आपके हाथ से माला चली गई, सोचना लुट गए। जिस दिन आपकी कथा कीर्तन ये चला गया, समझना आप लुट गए, चला गया द्वारकाधीश। बेटा इसी दिन से मैं डरती थी, ये सुख, ये सुविधाएं, ये समृद्धि मुझे डराती थी बेटा, कि कहीं वो चला। अर्जुन, अब द्वारकाधीश के बगैर मुझे एक शेर याद आता है, सुनाओ। कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर? क्या बोला?
कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर, अब कौन देगा दिल को सहारा तेरे बगैर, कौन देगा सहारा, तू है तो फिर क्या चाहिए, तू है ना क्या चाहिए, लेकिन जब तू नहीं है तो कुछ नहीं है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल हंसी है जवान। मैं आपको बार बार समझाता हूं, ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, छोड़ना मत, ये जो आकर हम यहां बैठ जाते हैं छोड़ना नहीं, राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन छोड़ना नहीं, सेवा छोड़ना नहीं। जिस दिन ये छूट गया ना, समझ लेना द्वारकाधीश चला गया यार, हम लुट गए, खलास हो गया, खेल अब क्या रह गया हमारे, क्या रह गया हमारे, कुछ भी नहीं रह गया। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने द्वारकाधीश को कभी जाने नहीं दोगे, कभी नहीं जाने दोगे। नित्य भजो चलो आज एक संकल्प करके उठते हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र विहारी लाल निधाय, जय जय।